शमशान को भय, भूत और भ्रम की जगह कहा जाता है और बरसों से रूढ़िवादी सोच व भ्रांतियों की वजह से औरतों को शमशान से दूर रखा जाता है। लेकिन बाड़मेर में एक साथ 200 महिलाएं अब शमशान में कार्य कर रही हैं। इन महिलाओं को यह काम नगर परिषद की तरफ से दिया गया है। महिलाओं द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शमशान की साफ सफाई के साथ यहाँ फैली बबूल की कंटीली झाड़ियाँ और खरपतवारों को हटाया जा रहा है। शमशान को भय, भूत और भ्रम की जगह कहा जाता है और बरसों से रूढ़िवादी सोच और भ्रांतियों की वजह से औरतों को शमशान से दूर रखा जाता है। लेकिन राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर में एक साथ 200 महिलाओं ने शमशान में वर्क कर दिखाया, जिसके बारे में सोचकर ही लोग अचंभित हो जाएंगे। बाड़मेर शहर के शमशान घाट में एक साथ 200 महिलाएं काम कर रही हैं। दरअसल इन महिलाओं को यह काम नगर पालिका परिषद की तरफ से दिया गया है। जिस जगह पर औरतों के आने का जिक्र बमुश्किल किया जाता था, वहां पर इन दिनों सैकड़ों महिलाओं को काम करते देखना किसी अचरज से कम नहीं। सरहदी बाड़मेर जिला मुख्यालय पर बीते 15 दिनों से 200 महिलाएं हर रोज शमशान पहुंच रही हैं और शमशान की साफ सफाई के साथ यहां फैली बबूल की कंटीली झाड़ियां और खरपतवारों को हटा रही हैं। नगर परिषद आयुक्त योगेश आचार्य के मुताबिक इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना के तहत जरूरतमंदों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। उसी के तहत बाड़मेर शहर के वार्ड संख्या 17 और 18 की महिलाओं को सार्वजनिक शमशान घाट में रोजगार दिया गया है। पुरानी भ्रांतियां तोड़कर महिलाएं शमशान घाट पहुंचकर साफ सफाई कर रही हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत वहां पर लेबर लगाई गई है, जिसके द्वारा वहां पर साफ सफाई का कार्य कराया जा रहा है, झाड़ी कटिंग का कार्य कराया जा रहा है। जो लेबर वहां पर काम कर रही है उसको प्रतिदिन 259 रुपए का भुगतान नगर परिषद द्वारा इस हेड के तहत किया जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में जिन्हें एक परिवार को 100 दिवस का रोजगार इस योजना के तहत दिया जाएगा। अभी प्रथम पखवाड़े का कार्य चल रहा है, कल से द्वितीय पखवाड़ा शुरू होगा। 2 पखवाड़े में काम होने के बाद ये पूर्ण रूप से साफ हो जाएगा और फिर साफ होने के बाद में नगर परिषद द्वारा यहाँ प्रॉपर बाउंड्री वाल बनाया जाकर और तारबंदी की जाकर इसे सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि यहाँ पुनः किसी प्रकार की गंदगी ना हो, झाड़ियाँ ना होंगी और एक समाज विशेष को जो इस योजना का लाभ मिला है वो वास्तव में लेबर द्वारा किया गया कार्य काबूलित है। गौरतलब है कि यह जगह जो बरसों से कंटीली बबूल की झाड़ियों से जंगल बनी हुई थी और चारों तरफ झाड़ियों ने घना जंगल बना रखा था, आज इन सभी महिला श्रमिकों ने मेहनत करके पूरे शमशान घाट को साफ और सुंदर और एक आकर्षण का केंद्र बना दिया है। पिछले 15 दिनों से ये महिला श्रमिक शमशान घाट में कार्य कर रही हैं और साफ सफाई के साथ बबूल की झाड़ियों की कटाई कर रही हैं।